Hey guys, welcome back to my channel. आज हम बिग साइज का स्टोरेज बैग बनाएंगे. फ्रेंड्स ये बहुत इजी बन जाता है और बड़े साइज का है. काफ़ी स्टोरेज इसमें स्पेस है. फ्रेंड्स देखिए मैंने साड़ी के लिए बनाया है. मैंने इसमें कॉटन की साड़ियाँ स्टोर करी हैं. कम से कम 10 से 12 साड़ियाँ इसमें स्टोर हो गई है फ्रेंड्स. और साइज़ बिल्कुल परफेक्ट जो साड़ी की तह होती है ना उतना है. 14x12 इंच इसकी हाइट है, 14x14 इसकी चौड़ाई यानी लंबाई है. तो ये स्क्वायर में बना है फ्रेंड्स और हाइट इसकी 12 इंचेस है. तो ये बिग साइज स्टोरेज बैग बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स. फ्रेंड्स इसके लिए देखिए मैंने एक दो फैब्रिक तैयार करे हैं. एक फैब्रिक ये है जिसको मैंने फॉर्म शीट डाल के क्विल्ट कर लिया है. 36 इसकी लंबाई है और 14 इंच इसकी चौड़ाई है. और दूसरा एक पीस लिया है फ्रेंड्स, इसकी जो लंबाई है वो है 38 इंच और चौड़ाई है इसकी 11 इंच. तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने दो फैब्रिक के पीस लिए हैं. दोनों में मैंने फॉर्म शीट और नीचे इनर लगा के और ऊपर मेन फैब्रिक लगा के इसको क्विल्ट कर लिया है. यानी इसमें छोटे छोटे स्क्वायर बना लिए हैं. आप बिगनर्स हैं ना तो इसको जब आप क्विल्टिंग करें तो लाइनिंग खींच लीजिए तो उसे आसानी से क्विल्टिंग हो जाती है. अब हम स्टेप्स के लिए जो स्टेप लगाएंगे हम उसके लिए निशान लगा रहे हैं. तो ऊपर से नीचे हमने 12 इंच पे निशान लगाया, एक लाइन ड्रॉ कर ली है. अब साइड से हम 4 इंच लेंगे फ्रेंड्स, और ऊपर से भी और नीचे से 4 इंच लेंगे और इसको एक सीधी लाइन बना देंगे. सेम दूसरी साइड में भी हमें 4 इंच का निशान लगाना है और ऊपर भी 4 इंच का निशान लगाना है और इस लाइन को भी ड्रॉ करना है. अब ऊपर से 2 इंच नीचे लगाएंगे, यानी जो हमारी स्टेप लगेगी वो यहीं तक लगेगी फ्रेंड्स. सेम जैसे यहाँ पर निशान लगाया हमने, सेम वैसे ही हम दूसरी साइड में भी हम निशान ड्रॉ करेंगे सेम मेजरमेंट लेते हुए. वही हमें 12 इंच और 4 इंच की चौड़ाई का गैप देते हुए यहाँ पे भी हमें निशान लगाने हैं. तो चलिए फ्रेंड्स दोनों साइड हमारे निशान लग गए हैं. अब हम स्टेप ले लेते हैं. चाहे तो आप स्टेप रेडी कर सकते हैं, चाहे आप रेडीमेड ले सकते हैं. मैंने रेडीमेड ली है. एक स्टेप की जो लंबाई है वो 48 इंच है. ऐसे ही मैंने दो स्टेप्स ली हैं. तो दोनों को कैसे स्टिच करना है, थोड़ा सा नीचे से फोल्ड करना है और इस तरीके से स्टिच करते हुए और 2 इंच का जहाँ नीचे डाउन निशान लगाया था वहाँ तक हम इसको स्टिच करना है और सेम दूसरी साइड में भी स्टिच करना है. तो चलिए एक बार हम मशीन पे देख लेते हैं किसको मैंने कैसे स्टिच किया है. जब आप स्टिच करें फ्रेंड्स तो ध्यान रखिएगा जहाँ पे भी एंड पॉइंट आ रहा है ना उसको टाइट ज़रूर करिए, नहीं तो उधड़ने का डर रहता है, स्टिच वहाँ से खुल जाती है. तो देखिए जैसे मैंने स्टार्ट किया और 2 इंच जहाँ तक पॉइंट का निशान मैंने लगाया था वहाँ से मैंने इसको टर्न कर लिया है. अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा धागे को टाइट कर रही हूँ क्योंकि मेरा यहाँ से उधरे नहीं. और देखिए फिर मैं नीचे लेके आ गई और यहाँ पे भी मैंने धागे को थोड़ा सा आगे पीछे करके टाइट किया है. यानी हमारा जो टांका है वो उधरे नहीं तो वहाँ पक्का कर लेंगे. और सेम तरीके से हमें मतलब इधर भी लगाना है और नीचे की साइड में भी लगाना है. तो देखिए फ्रेंड्स स्टेप मेरी लग गई हैं. अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं फ्रेंड्स. अब मैंने जो बड़ा साइज़ का तो 11 इंच और 38 इंच का जो पीस था उसको ले लिया है और उसकी पूरी एक 38 इंच की लंबाई में जिप लगाई है, कट कर ली और जिप को उल्टा रखा. यानी दोनों फैब्रिक और जिप का राइट साइड अंदर और रॉन्ग साइड दोनों की बाहर लगा के मैंने टांका लगा लिया है. तो फ्रेंड्स अब मैंने टांका लगा लिया है इसमें. अब हम क्या करेंगे, इस फैब्रिक को इस तरीके से टर्न करेंगे और एक ऊपर की टॉप स्टिच लगाएंगे. इससे फैब्रिक नीचे टर्न हो जाएगा और जब हम जिप को ऑपरेट करेंगे तो उसमें फैब्रिक फंसेगा नहीं. तो देखिए मैंने टांका लगा लिया है टॉप स्टिच का. अब हम इसमें रनर ऐड कर देते हैं. आप चाहे तो दो भी डाल सकते हैं, एक इधर की साइड से दूसरी दूसरी साइड से. मैंने एक ही डाला है फ्रेंड्स. तो देखिए रनर मैंने डाल दिया है. अब हम इसका सेंटर पॉइंट लेंगे, जस्ट इसको हाफ होल्ड करना है और दोनों साइड में हमें निशान लगाना है सेंटर पॉइंट का, एक इधर और एक जिप की साइड में. और ये बहुत इजीली बन जाता है फ्रेंड्स, इसमें कोई कटिंग नहीं करनी पड़ती हमें बैग की. बस 2 पीस लेने हैं और दोनों को स्टिच करना है एक मेथड से, तो इजीली बैग बन जाता है. अब हमने उसको लंबाई में करा, अब इसकी चौड़ाई में इसको हाफ करेंगे. जहाँ से स्ट्रिप लगाई हमने उधर की उसको फोल्ड कर लेंगे और एक सेंटर पॉइंट इसका ले लेंगे और सेम दूसरी साइड भी इसका
सेंटर पॉइंट ले लेंगे, यानी एक का लंबाई में निकालना और एक का चौड़ाई में निकालना है सेंटर पॉइंट। फ्रेंड्स, ये सेंटर पॉइंट मैंने निकाल लिया है। अब स्टिच करने का तरीका मैं बताती हूँ आपको कैसे इसको स्टिच करना है। फ्रेंड्स, मेज़र फैब्रिक कैसे मेज़र करना है वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूँगी। देखिए, जो हमने उस फैब्रिक का सेंटर पॉइंट और इसका सेंटर पॉइंट को ऐसे मैच करना है और इस तरीके से ऑल पिन से सेट कर लेंगे पहले, और फिर बाद में हम इसको मशीन में स्टिच करेंगे। तो देखिए, कॉर्नर तक हमने इसको इस तरीके से स्टिच किया, मतलब अटैच किया, और फिर यहाँ से फोल्ड करते हुए बिल्कुल पॉइंट कॉर्नर तक लेके जाना है आपको। और देखिए, इस तरीके से घुमा दिया और देखिए इसके एंड पॉइंट तक हम स्टिच करके फिर इसको टर्न करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ तक इसको अटैच करा और फिर देखिए इस पॉइंट तक निशान लगाएंगे, देखिए इस तरीके से, और अब इसको इस तरीके से टर्न कर देंगे। ये बहुत इजीली बन जाता है फ्रेंड्स, इसमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस एक बार बनाने की कोशिश करना और आसानी से बन जाएगा। बस हमें इस फैब्रिक को घुमाते जाना है, लेकिन हमें क्या करना है, दो जो सेंटर पॉइंट लगाए थे उनको हमें मैच करना है। एक तो हमने पहले मैच कर लिया था, एक हम आधा अटैच करने के बाद मैच कर लेंगे, देखिए ये, और फिर हम बाकी का निशान लगाएंगे, क्योंकि मेजरमेंट परफेक्ट है तो ये छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए, यानी हाफ आधे तक तो हमने इसको अटैच कर लिया, आधा फिर हम और ऐसे घुमाते जाएंगे और इसको एंड लास्ट तक अटैच करेंगे, और इसका एंड पॉइंट जब तक आएगा ना ये फिनिश हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको कोई जॉइंट नहीं लगाना, आप देखेंगे कि पूरा फिनिश हो गया है। देखिए, इस तरीके से घुमाते जाना है आपको। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इस तरीके से राउंड शेप ऐसे घुमा घुमा के इसको पूरा एंड पॉइंट तक अटैच कर लिया है। ये पूरा हो गया है फ्रेंड्स, एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और एंड पॉइंट अपने आप आ जाएगा। फ्रेंड्स, आपको बस सेंटर मैच करने हैं। अब हम इसको मशीन पे पक्का कर लेते हैं, तो ऑल पिन हटाते जाएंगे और मशीन पे इसको पक्का करते जाएंगे। किसी भी पॉइंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं स्टिच करना। कॉर्नर पे थोड़ा सा मशीन की सुई को अंदर डाल के फिर घुमाइएगा फ्रेंड्स, तो आसानी से घूम भी जाएगा और स्टिच भी हो जाएगा। बस ये ध्यान रखिए, जब आप इसको टर्न कर रहे हो तो मशीन की सुई अंदर की साइड हो, तो फिर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए इस तरीके से, और आपको पूरी ऑल पिन एक साथ नहीं हटानी है, धीरे धीरे एक एक दो दो हटाती जानी है और स्टिच करते जाना है। आप ऐसे किसी भी साइज़ का बना सकते हैं, मैं लास्ट में आपको बता दूंगी किसका फैब्रिक आपको कैसे लेना है फ्रेंड्स। तो देखिए, पूरी जैसे हमने अटैच किया था वैसे ये स्टिच हो जाएगा और अपने आप एंड पॉइंट आ जाएगा फ्रेंड्स इसका। और देखिए, इसका एंड पॉइंट आ गया है, जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं से इसका लास्ट आ गया है फ्रेंड्स, और वहाँ तक हम ला के इसको हटा देंगे, यानी हमारी मशीन की काम तो हो गया है। अब हमें इसमें स्ट्रिप लगानी है फ्रेंड्स। तो देखिए, मैंने पूरी स्टिच कर ली है और पिन हटा दिए, ये इसकी हाइट बनी है, काफ़ी अच्छा गहरा और अच्छा बड़ा साइज़ का बना है फ्रेंड्स। 2.5 इंच यानी 2.5 इंच लंबी, मतलब चौड़ाई में मैंने पट्टी कट करी है, लंबाई मैंने अकॉर्डिंग पूरे बैग की एजेस को कवर कर ले इसके हिसाब से ली है। टर्न कर लिया उल्टी साइड, उस तरीके से उल्टी साइड राइट साइड ही हम बैग पर स्टिच करेंगे, तो किसी भी साइड उसको रख के आप स्टिच करिए फ्रेंड्स। तो मैं देखिए इस तरीके से बैक साइड इस तरीके से देख के चेक कर रही हूँ कि मुझे किधर टर्न करना है, तो मुझे इधर की साइड टर्न करना है, तो मैंने जिप की साइड इसको रखा और इसको ऊपर की साइड मुझे टर्न करना है। आप ऊपर से स्टिच करेंगे तो नीचे की टायर साइड टर्न करना पड़ेगा, तो मैंने ऊपर की साइड टर्न करना था इसलिए मैंने इसको नीचे रखा इस तरीके से, और पूरी सारी एजेस को कवर करते हुए इसको पूरी में स्टिच कर दूँगी, और ये सेम वैसे ही हो जाएगा जैसे हमने इसको आपस में अटैच करा है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। बस घुमाते वक्त एक ही बात का ध्यान रखिए, सुई को अंदर रखिए फिर घुमाइए कॉर्नर पे, तो आसानी से घूम जाएगा, बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी आपको।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस पट्टी को हम इसकी अटैच कर देते हैं और लास्ट का जब एंड पॉइंट आएगा उसको कैसे अटैच करना है वो भी चलिए मैं बता दूं आपको कि जैसे हमने स्टार्टिंग में फोल्ड किया था, एक्स्ट्रा पार्ट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करना है और देखिए दोनों को इस तरीके से फोल्ड करना है और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके इसको मशीन पर सिलाई करके हटाना है। देखिए इस तरीके से ये हो जाएगा और अब हम इसको फोल्ड करके यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने मशीन वापस स्टार्ट कर दी, यानी इसकी फोल्डिंग की स्टार्ट कर देते हैं। पट्टी को फोल्ड करते जाना है और स्टिच करते जाना है और ये प्रोसेस में भी आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली फ्रेंड्स। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा किसी भी चीज़ को करते वक्त, बाकी बिल्कुल भी परेशानी नहीं आती है। तो देखिए सभी एजेस को मैंने फोल्ड कर दिया है और देखिए फिनिशिंग आ गई हमारी और लेके एंड पॉइंट तक हम इसको लेके आ गए, यानी हमारा एंड पॉइंट ख़त्म, यानी हमारी पूरी स्ट्रिप भी लग गई है और एजेस फिनिश हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा बैग रेडी है और कितने बड़े साइज़ का बना है। फ्रेंड्स इस टाइप के किसी भी साइज़ का बैग बना सकते हैं, बस ये ध्यान रखिए जो बड़ा साइज़ का जो साइज़ ले रहे हो ना, यानी जो छोटा लेंगे ना उसकी जिसकी दोनों की जो एजेस है ना पैरामीटर है वो सेम होना चाहिए, बस फिर बैग में कोई दिक्कत नहीं आती है। ऐसे ही फैब्रिक लेते हैं फ्रेंड्स। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो फिर भी आगे मैं किसी और वीडियो में बता दूंगी। वीडियो को एंड करती हूँ फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना।